हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यही हम जानेंगे, क्योंकि थीम फॉर टुडे के हिसाब से आप एक थॉट को लेकर स्टक थे और अपनी लाइफ में शायद कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो भी पर्सन हैं आपके, उनकी एनर्जीज क्या बन रही हैं, क्योंकि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं गाइस जो कि एक पैसिव फेज में हैं। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और जानिए कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट यानी कि करंट ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं गाइस। तो आपके मैस्कुलिन यहाँ पर मुझे अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके मैस्कुलिन अर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन होंगे या फिर अगर गार्डनिंग करते हैं तो इनका एक कॉन्टैक्ट जब अर्थ से बन रहा है, इवन वेन दे आर मेडिटेटिंग, अगर आपके मैस्कुलिन्स मेडिटेशन भी करते हैं तो इनका जब भी अर्थ के साथ एक कनेक्ट बन रहा है तो ये अपनी उन सारी एनर्जीज को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब अर्थ से एक मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज एमिट हो रही हैं गाइस, तो ये इनके मैनिफेस्टेशन पावर को डबल कर रही हैं। ये मैनिफेस्टेशन ही है लेकिन विद द हेल्प ऑफ अर्थ, यू नो। जब आप अर्थ से कनेक्ट बनाते हो तो क्योंकि अर्थ भी एक एलिमेंट है यूनिवर्स का, तो आपकी पावर्स वहां पर डबल होती हैं। जैसे कि हम मेडिटेशन करते करते मैनिफेस्ट करते हैं तब भी हम अर्थ के साथ एक कनेक्ट बनाते हैं, यू नो, और हमारी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं हम उनको रिलीज करते हैं अर्थ पर, यू नो। तो जो न्यूट्रलाइजेशन है, एक न्यूट्रल एनर्जीज का जो शिफ्ट है, पहले तो वो ये सेंस कर रहे होंगे, यानी कि इनकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो न्यूट्रल होकर एक टेम्परेंस में आ रही हैं और ये पॉजिटिव एनर्जीज को भी वहां से पिक करके एक मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी सेंस कर रहे हैं गाइस, जिसके चलते हो सकता है ये अपनी उन मैनिफेस्टेशन पावर्स को डबल सेंस कर रहे हैं, यानी कि इनकी मैनिफेस्टेशन पावर्स डबल हो रही हैं। और क्योंकि आप इनके एक मैनिफेस्टेशन डिजायर हो तो ये आपके लिए किंग ऑफ वैंड्स बने हुए हैं। दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, दे वॉन्ट टू को क्रिएट समथिंग विथ यू, और ये आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं, यानी कि आप इनके लिए जो इंट्यूटिव होने के साथ साथ एक सेंसिटिव पर्सनालिटी हो, आप इनके टूवर्ड्स अनकंडीशनल हो, यू नो, आप इनके हर वो इनर मोस्ट थॉट्स को सेंस कर लेते हो जो कि ये आपसे कह नहीं पाते, लेकिन आपको इनकी हर फीलिंग की खबर रहती है। ये कैसे होता है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में हो और ये आपके मैस्कुलिन है, इसीलिए आप इनसे वो कनेक्ट फील कर भी सकते हो और इनको भी फील करवा सकते हो कि आप इनके दिल का हर राज जानते हो, आप इनकी दिल की हर बात जानते हो, भले ही ये वर्ड्स में आकर आपसे कहें या ना कहें आप समझ जाते हो। तो ये बहुत इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ, और इनको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप एक इनके लिए अनकंडीशनल वे पर बने रहोगे, आप एक इनके हीलर हो, यू नो, अगर ये किसी वे में दर्द में है तो आप इनके वही हीलर हो जो एक बार अगर आप इनके लिए ब्यूटीफुली इमेजिन भी कर लें ये वो हीलिंग सेंसेशन फील कर सकते हैं। दिस इज सो डीप एंड अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन गाइस, शायद मेरे पास भी इनफ वर्ड्स नहीं हैं कि ये आपके लिए किस वे में अभी राइट नाउ फील कर रहे हैं। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि इनको पता है कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो कोई भी ना ही
एक्सप्लेन कर सकता है, ना ही उनको वर्ड्स में बयान कर सकता है। बस इस चीज़ को फील किया जा सकता है जो कि राइट नाउ आप भी फील कर रहे हो और ये भी फील कर सकते हैं, यू नो। तो आप दोनों का ही जो कनेक्शन है वो एक इनविजिबल लेवल पर है और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को हीलिंग देता है। और आपका एक बॉन्ड जो है वो सेंसिटिव है। अगर ये दर्द में होते हैं तो आप सडनली वो सेंस कर लेते हो, एंड हो सकता है वाइस वर्सा, अगर आपके पर्सन को भी आपका दर्द अगर सेंस होता है तो वो ज़रूर इक्वल पेन आपका फील करते हैं, इसीलिए वो आपके साथ एक इमोशनल कनेक्ट में है। क्योंकि आपको ये एक एज अ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखते हैं गाइस, तो ज़रूर आपके साथ इनका एक इमोशनल बॉन्ड भी है। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं हो सकता है ये इमोशनल हो जाते होंगे, यू नो। तो इनको पता है कि व्हाट द पर्सन यू आर और आपकी वर्थ ये जानते हैं गाइस। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन है जो कि एक पैसिव साइकिल में है, यानी कि जो एक्शन नहीं ले रहे। ये एक समझ लो वो पर्सन होंगे जिन्होंने रिसेंटली आपको एक डिसअपॉइंटमेंट दी थी, या फिर अपने कुछ ऐसे एक्शंस या वर्ड्स की वजह से आपको हर्ट किया था, जिसकी वजह से ये और आप एक सेपरेशन जोन में चले गए थे। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे एक नेक्स्ट एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग द क्वीन ऑफ कप्स आप एक इनिशिएटिव भी होंगे, मतलब आप हमेशा पहला स्टेप लेते हो, आप हमेशा इनके टूवर्ड्स अप्रोच पहला रखते हो। तो एक पैटर्न आपने सेट किया है, तो इसीलिए इनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे कुछ ज़्यादा हैं और इनको यकीन है कि आप इनके पास वापस लौट कर आओगे। तो ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थ, ये शायद आपको वही एनर्जीज भेज भी रहे होंगे, वाइब्रेशंस भी भेज रहे होंगे गाइस, कि जब आप भी एक अर्थ के साथ कनेक्ट में आओगे तो वो सारी एनर्जीज आप भी सेंस करोगे, वो सारी फ्रीक्वेंसीज आप भी सेंस करोगे। और जब आप सेंस करोगे तो आप कुछ ना कुछ इनके तरफ एक अप्रोच ज़रूर बढ़ाओगे, यू नो। अब यहाँ पर 3D लेवल पर आपके पर्सन आपको द फूल 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में सेंस कर रहे हैं, यानी कि एक तो अर्थ मैजिक हो गया यहाँ पर, दूसरा मैजिक एयर मैजिक भी है यहाँ पर। आपके पर्सन आपको विद द हेल्प ऑफ एयर भी फील कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया है, जैसे कि जब हवा चल रही होती है उस हवा में सडनली आपको एक मैसेज फील होता है कि एक हमें कोई मिस कर रहा है, यू नो। एक मैसेज ये हो गया, दूसरा मैसेज आप ये सेंस करते हो कि कोई हमसे बेपना प्यार करता है, एक ऐसे वे में हमें अनकंडीशनल लव भेज रहा होता है कोई, यू नो। वो आपको सडनली फील भी होता है, ओके। और कहीं ना कहीं उन्हीं सारे लाइक सिंक्रोनिसिटी में आप उस पर्सन को भी समझ लेते हो कि ये वही पर्सन है, यू नो। ये मतलब हवा भी बहुत सारे मैसेजेस को कैरी करके चलती है, क्योंकि ये भी एक यूनिवर्स का ही एलिमेंट है। जब यूनिवर्स हमें कोई सिंक्रोनिसिटी या फिर डाउनलोड दे रहा होता है तो यहाँ पर यूनिवर्स के एलिमेंट्स ही हमारे लिए काम आते हैं गाइस। तो आपके पर्सन हो सकता है आपको लेकर विद द मैजिक ऑफ एयर भी फील कर रहे हैं और इसको भी एक मीडियम बना रहे हैं टू कनेक्ट विथ यू। जब ये अकेले हैं और हवा चल रही है तो हो सकता है आपको ये इमेजिन कर रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, तो वही कनेक्ट आप भी शायद सेंस कर रहे होंगे। जब हवा चल रही है आप भी उनका वो मैसेज शायद रिसीव कर पा रहे होंगे, यू नो। इट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल गाइस। अगर इस चीज़ को आप समझ रहे हो तो आपको बिल्कुल आप जान रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। और ये वही लोग समझ सकते हैं जो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं और जो यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटी को बहुत ही डीपली फील भी कर सकते हैं, सेंस भी कर सकते हैं। ये कोई आम लोग अगर ये सारी बातें सुनेंगे तो उनके लिए सब कुछ बकवास ही लगता है और वो लोग इन सारी चीज़ों की डेप्थ को शायद समझ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल वे पर अवेकनिंग नहीं हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या मटेरियलिस्टिक या फिर एक लॉजिकल अप्रोच रखते हैं। ये सब उनको बकवास सी लगती है, यू नो।
तो आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हो जो भी मैं आपसे कन्वे करना चाहती हूँ, और लाइक वाइज आपके पर्सन भी ये जानते हैं कि आपका और इनका जो बॉन्ड है वो पहले तो इनविजिबल है, और ये जब यूनिवर्स के इतने सारे एलिमेंट से कनेक्ट करके आप तक कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, अपनी कोई गुजारिश सेंड करना चाहते हैं कि ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी तरफ अप्रोच लीजिए, यू नो दे आर जस्ट लाइक आपके सामने ये एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्योंकि विद द टेन ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज इनको पता है कि आपकी तरफ से एक एंडिंग हो चुकी है। अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है तो दिस इज रियली वेरी क्लियर। आप जानते हो टेन ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड ऑफ अल्टीमेट एंडिंग। फाइन, आपने इनसे वॉक अवे किया है और हो सकता है इस बार आप कुछ ज्यादा हर्ट हो गए हो, मतलब इस बार जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में उस चीज को लेकर आप कुछ ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हो, आप एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल में हो। इन आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया है, कुछ एक डीपेस्ट वे में आपको लाइक मैं कह सकती हूँ ना कि एक अनफेयर एडवांटेज आपका लिया गया है यहाँ पर। जितना आपने ट्रस्ट यहाँ पर दिखाया था इन पर, वही आप पर भारी पड़ गया, बैकफायर कर गया। तो ये जो आपकी एनर्जीज हैं ये आपके पर्सन जानते हैं, और मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपको ये उस एंगल से देख रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये आपके लिए एक ट्रिगर बैठा है, इनकी तरफ से एक ऐसा ट्रिगर बैठा है कि आपका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल एक वे में जग गया। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक नाइन ऑफ कप्स के एनर्जीज में देख रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज हुआ है पॉजिटिवली, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल को जब इन्होंने छेड़ा है और जब वो जागा है तो आप अपने आप पर शायद काम करने लगे। जब आपने अपने आप पर काम करना शुरू किया तो आपके टूवर्ड्स यूनिवर्स वॉज स्माइलिंग, और यूनिवर्स ने आप पर एक ऐसी अबंडेंस शावर की होगी कि आपके पर्सन को वो चीज़ पता है कि अब आप खुश हो, अब आप जहाँ भी हो अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हो। यू नो यू आर जस्ट द अचीवर, जिस भी फॉर्म में हो, अगर ये आप पर स्पाई बना कर रख रहे हैं, जो कि मुझे तो लग रहा है कि 100% ये आप पर स्पाई बना कर रख रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं देख रहे होते तो इतनी डीप लेवल पर इनकी एनर्जीज नहीं शो होती गाइस। ये सच में आप पर स्पाई रख रहे हैं और इनको पता है कि इन्होंने एक कर्मा क्रिएट किया है यूनिवर्सल लेवल पर, जिसकी वजह से आप एक इनोसेंट पर्सन थे वहां पर द फूल वाली एनर्जीज से, और आप पर यूनिवर्स ने ब्लेसिंग शावर की है। और ये दूर से ही बैठ कर देख रहे हैं कि आप तो मतलब आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, यू आर जस्ट डूइंग विथ योर लाइक द बेस्ट वर्जन, यू नो यू आर अचीविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ये जहां से देख रहे हैं। फाइन, और कितना फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है ये आप लोग बेटर जानते हो, लेकिन ये इनकी एनर्जीज के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आप देखते हैं कि इस सिचुएशन में अगर ये कुछ चाहते तो वो क्या होता। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। इनको एक बात तो ये पता है गाइस कि इन्होंने आपको किसी ना किसी वे में खो दिया है, एक लॉस ये सेंस कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी उस वल्नरेबल साइड को शायद आपके सामने दिखाना नहीं चाहते, ये कोई अप्रोच आपके टूवर्ड्स लेना नहीं चाहते। इनको लगता है कि अगर इन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया तो मे बी एक इनका शायद एक ईगो होगा गाइस, जैसे कि एक रूटेड ईगो होता है, हारना नहीं चाहते मैस्कुलिन्स कि मैं क्यों झुकूं, यू नो बहुत सारे ऐसे होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं झुक गया तो मेरी गलती प्रूफ हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि पहले तो वो गलती करते हैं, उसके बाद अपने आप को लाइक हमेशा सही साबित करने के लिए एक ऐसा अप्रोच रखते हैं कि हम उन पर ब्लेम ही ना कर सकें, वो आप पर पॉइंटिंग आउट रखते हैं हमेशा। इतना भी कुछ बड़ा नहीं हुआ था, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, इस चीज को इतना सीरियसली लेकर ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे तो वो हमें सुना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में चोर इनके दिल में होता है। इनको पता होता है कि ये गलत है, और जब ऐसी सूरत में ये आपके
तरफ आकर एक अप्रोच रख दें तो इनकी गलती वो प्रूव हो जाएगी ना। तो ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं कि कहीं उस गलती में ये पॉइंट आउट ना हो जाए, मतलब आप इन पर ब्लेम ना चढ़ा दो। तो दैट इज वाई दे आर प्लेइंग इट वेरी सेफ। और राइट नाउ ये कुछ आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं दिखाना चाहते, ये इनकी सोची समझी एक प्लानिंग मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं। दे नो दैट के इनकी गलती हुई है और आप इनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, खफा हो, बिल्कुल भी यहाँ पर आप कोई अप्रोच नहीं दिखा रहे हो। मतलब शायद आपका जो पैटर्न रहा है, आपने एक इनिशिएटिव ऐसे वे में लिया है कि हर बार आप ही इनके पास गए हो और आप ही ने सब कुछ मेंड करने की कोशिश की है। तो इस बार कुछ आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, मतलब इट वॉज लिटल बिट लॉन्गर जो कि आपका यूजुअल टाइप या यूजुअल पैटर्न रहा है। तो आपके पर्सन यही सोच रहे होंगे कि अब तक तो आपका एक अप्रोच आ जाना चाहिए था। और ये लाइक मैंने आपको बताया भी कि आपको हर तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर इनको पता नहीं है हाउ टू मैनिफेस्ट, देन ऑल्सो दे आर मैनिफेस्टिंग। ओके, ये आपको यूनिवर्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सारे मैजिक्स यूज कर रहे हैं, और शायद वो आप सेंस भी कर रहे हो, लेकिन इस बार सच में आप रूठ गए हो और आप भी इसी वजह से इनके तरफ कोई एक्शन नहीं दिखाना चाहते। आप टाइम देना चाहते हो इनको भी और खुद को भी कि क्या इस कनेक्शन की रियलिटी है, आप भी देखना चाहते हो। सच में इन्होंने आपको छेड़ दिया है, आपको इस वे में ट्रिगर दिया है कि आपकी वो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल सच में अवेकन हुई है और उसको एक दिशा मिली है। ओके, तो आप देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या कर सकते हैं अगर आप कोई सच में एक्शन नहीं दिखाते हो। इवेंचुअली अगर आप कुछ नहीं करते हो तो इनको क्या करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो सिक्स ऑफ कप्स एट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं। दे आर समवेयर स्टक इन द पास्ट गाइस, आपकी मेमोरीज के साथ ये पूरी तरीके से स्टक हैं और इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स बिताए होंगे जहां से ये अपने आप को रिलीज ही नहीं कर सकते। मतलब जितनी चाहे कोशिश कर लें ये उस सिनेरियो को भुला ही नहीं सकते, ऐसा शायद आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया होगा। और वही वजह है, वही उन पास्ट मेमोरीज के चलते ये आपके टुवर्ड्स एक्शन ले ही लेंगे, मतलब ये इनिशिएटिव ले ही लेंगे। यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, ये बस एक पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं गाइस कि एक बार इनको ऐसा कुछ मौका मिल गया तो ये ज़रूर आपके तरफ कोई ना कोई आइदर मैसेजिंग या कॉलिंग, बहुत लोगों के लिए रीच आउट भी हो सकता है। तो आप अगर कुछ नहीं करते तो आपके पर्सन ज़रूर कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन को। आपकी मेमोरीज, आपकी यादें कुछ इस कदर रूटेड हो गई हैं इनके अंदर कि ये वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज अपकमिंग वे में बनने वाली होंगी गाइज, अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो। ऑलराइट, अब देखते हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, यानी कि राइट नाउ अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। द स्टार, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में आपके पर्सन हैं, यानी कि ये आपसे यही कहते कि आई नो बहुत कुछ बिगड़ गया है और बहुत कुछ इस वे में चीज़ें मेस्ड अप हो गई हैं कि आप मेरी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकते एट दिस टाइम, एटलीस्ट फॉर नाउ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चीज़ें दोबारा से उसी तरीके से प्रोसीड हो या फिर उसी तरीके से चेंज हो जाएं। और मैं यूनिवर्स की तरफ बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ इन सारी बातों को लेकर के, आपका जो वो सेंसिटिव साइड है मेरे लिए वो दोबारा से अवेकन हो जाए और आप मेरे लिए उसी वे में एक सेंसिटिव केयरिंग पर्सन की तरह बन जाओ जैसे आप पहले हुआ करते थे। मेरे इस डीपेस्ट पेन को फील करो जो मैं अभी राइट नाउ आपके लिए फील कर रहा हूँ, और जो मैं आपके तरफ एक अप्रोच नहीं ले पा रहा हूँ ये मैंने खुद को परमिशन दी है टू स्लो डाउन, ताकि कुछ टाइम मैं आपको भी दे सकूं। जो मैंने वूंड आपको दिया है इस बार, जो मैंने ट्रिगरिंग दी है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है
और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको वहाँ से बाहर निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग जाएगा। उस वुंड को हील करते करते आपको शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं भी इक्वल वे में पेन फील करता हूँ, जो आपका पेन है वो मेरा भी पेन है। जब मैंने आपको हर्ट किया तो इक्वल वे में मैंने भी वो पेन सेंस किया है। अगर मैं वो नहीं करता, ओके, अगर मैं वो ट्रिगर आपको नहीं देता, तो आज आपकी जो पर्सनल ग्रोथ हो रही है वो शायद कभी नहीं हो पाती। आप मेरे पीछे अपनी लाइफ को एक वे में ख़राब कर लेते या फिर स्टैगनेंट वे में लेकर जा रहे थे, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता। आप एक बेटर लाइफ डिज़र्व करते हो, जो कि मेरे सराउंड तो नहीं घूमती। आपकी लाइफ कुछ बेटर है, कुछ हायर वर्जन आपका आपको बुला रहा था। और अगर उस वक्त मैं आपको हर्ट नहीं करता, तो आज जो आपने एक अचीवर की तरह अपनी लाइफ में एक पर्सनल ग्रोथ पकड़ ली है, वो शायद आप कभी नहीं कर पाते। तो ये मुझे करना था, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये मेरा यूनिवर्स से काफ़ी सारे लाइफ टाइम से एक अग्रीमेंट है कि मैं आपको और ख़ुद को एक बेटर वर्जन की तरफ ही पुश करवाऊंगा। मे बी आपका भी कुछ ऐसा ही एक अग्रीमेंट है यूनिवर्स के साथ कि आप भी इस लाइफ टाइम में मुझे हील करने आए हो, यानी कि मेरे कार्मिक सिचुएशन से मुझे आज़ाद करवाने के लिए आए हो। और जब आप अपने लाइफ पर फोकस करोगे, तो मैं भी अपने लाइफ में बहुत सारे एरियाज पर काम कर सकूंगा, क्योंकि आप मेरी स्ट्रेंथ हो, आप मेरी एनकरेजमेंट हो, आप मेरी इंस्पिरेशन हो। और अगर मैं आपको कभी हर्ट करूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में आपको हर्ट करना चाहता हूं। ये मेरी मजबूरियां हैं जो कि मुझे ये करना ही पड़ेगा आपको पुश करने के लिए आपके हाईएस्ट गुड की तरफ, ओके? तो आई होप ये काफ़ी सारे लोगों के साथ आज का जो ये शिफ्ट है मैच कर रहा होगा गाइस, और आपके मैस्कुलिन के मैसेजेस भी आपके साथ रेजोनेट कर रहे होंगे। ज़रूर ये आपसे यही कहना चाहते हैं जितने भी लोग यहाँ पर नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में बने हुए हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको इनिशियली अर्लियर ही बता दिया था कि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जो आपके टुवर्ड्स कोई अप्रोच नहीं दिखा रहे हैं, वो एक पैसिव साइकिल में चले गए हैं। दे आर साइलेंटली मैनिफेस्टिंग यू गाइस, ताकि आप दोनों का जो भी सोल पर्पज़ है, जो एक हायर पर्पज़ है, वो आप अचीव कर सको, यू नो? और जो हम रेगुलर आजकल जो डिस्कस कर रहे थे, वो अदर सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं। वहाँ पर वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स एक एक्टिव साइकिल्स में हैं गाइस, उनकी तरफ से आप एक्शंस लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, ये एक पैसिव साइकिल में बने हुए हैं। इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है, कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर, लेकिन ये सेट ऑफ मैस्कुलिन्स अभी एक पैसिव साइकिल में चल रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर नाउ, कि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि लाइक दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड और समथिंग। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि ये अदर सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, जो कि एक लाइक पैसिव साइकिल में बने हुए हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आने वाले हैं धीरे धीरे। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ओके गाइस? तो आई होप आई एम क्लियर नाउ। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।